नोटबंदी पर मोदी सरकार को लगातार समर्थन देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इसका विरोध किया है। दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की किताब फियरलेस इन अपोजिशन के विमोचन के मौके पर उन्होंने मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने कहा कि विश्व में कहीं भी कैशलेस और कैशलेस की अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है, ऐसे में भारत जैसे देश में यह काम नहीं कर सकती। अभी तक नोटबंदी पर मोदी का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाया है। मनमोहन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र बताए कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है। उन्होंने सरकार से पूछा, जब विश्व में कहीं भी कैशलेस और कैशलेस अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है तो भारत में यह कैसे संभव है। जदयू के सांसद जब लगातार नोटबंदी का विरोध कर रहे थे तो उस समय इसे मोदी सरकार का साहसिक फैसला बताने वाले नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाया। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि अगले 5 साल में हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, लेकिन जब वो 5 साल तक यहाँ सत्ता में रहेंगे ही नहीं तो कैसे करेंगे।